नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने ही चैनल माहिदा टैकी पर। तो फायरबोल्ट वाकई में इज ऑन फायर, उसने एक नया और ऑप्शन दे दिया आपको अंडर 2000 में। इसका नाम है निंजा 2 प्लस। तो काफ़ी ज़बरदस्त स्मार्ट वॉच होने वाली है ये। इसका फुल ठोक बजा के टेस्टिंग कर लिया, सारा रिव्यू कर लिया है और आपको बता दिया है क्या इसके अंदर कमियाँ हैं, क्या इसकी खूबियाँ हैं, क्या आपको ये लेना सही रहेगा नहीं रहेगी। और आज पहन भी रखी है इसको फॉर अ चेंज वीडियो में दिखाने के लिए आप सबको। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना ताकि आप इसके सारे स्पेसिफिकेशंस और बाकी सारी चीज़ें जान सकें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। उल्टा डब्बा पकड़ लिया बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और देखिए दोस्तों, खूबसूरत सा बॉक्स है हमारे सामने, की फीचर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, पीछे की तरफ जो है मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स मिल जाती हैं और किस किस वर्जन पर यह मोबाइल के आपके काम करेगी वॉच। उसके साथ साथ आप देखिए 5 दिन की बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। चॉकलेट बॉक्स इस बार देखने को मिले जो कि काफ़ी सुंदर काफ़ी स्लीक सा है। कुछ इस तरीके से स्मार्ट वॉच पैक में आती है और उसके साथ साथ वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड, बुक माई शो का मूवी का कार्ड आपको देखने को मिल जाता है, गाना की सब्सक्रिप्शन का कार्ड देखने को मिल जाता है, बोल्ट की ऐप का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। आप देखते हैं कौन सी ऐप पे स्मार्ट वॉच चलने वाली है, तो अगेन DFIT एप्लीकेशन है। साथ में मैग्नेटिक पोको पिन चार्जिंग केबल भी आपको देखने को मिल जाती है। वॉच को देखते हैं तो देखिए नीचे की तरफ थोड़े से बीजल देखने को मिलते हैं। 1.69 इंचेस का HD डिस्प्ले इसमें देखने को मिल रहा है। बटन भी इसमें बाहर को उभरा हुआ है तो आपको ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पीछे आप सेंसर की प्लेसिंग देख सकते हैं और इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव फिल्म है जो कि नजर नहीं आ रही है, इसको हटा जरूर देना वरना एक्यूरेसी अच्छी नहीं मिलेगी आपको। बिल्ड क्वालिटी की बात करें देखिए दोस्तों, बॉडी इसकी प्लास्टिक है, साइड की केसिंग भी इसकी प्लास्टिक की ही है। 20mm का सॉफ्ट सिलिकॉन स्ट्रैप देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है पहनने पे। लोगो आप देख सकते हैं फायरबोल्ट के इसके पिन के ऊपर, तो काफ़ी अच्छी स्मार्ट वॉच है इस बजट रेंज में। वेट भी इसका काफ़ी कम है, जस्ट 37 ग्राम्स, तो काफ़ी लाइट वेट और कम्फर्टेबल रहने वाली है पहनने में। तो कुछ इस तरीके से इसका डिस्प्ले आ जाता है, फिर पहन के आपको दिखाते हैं तो काफ़ी अच्छी लगती है पहनने में। और जो इसका डायल है काफ़ी कॉम्पैक्ट है, मतलब छोटी रिस्ट पे भी अच्छा लगेगा क्योंकि वॉच काफ़ी लाइट वेट है और फुल अच्छी लुक इसकी देखने को हमें यहाँ पे मिल रही है। अब अगर हम रेडिस्ट टू बैकअप के रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब मैं इस बजट की रेंज की वॉचेस से अगर कंपेयर करूँ तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। नीचे को स्वाइप करते हैं आपको सेटिंग्स, ब्राइटनेस, थिएटर मोड, फ्लैशलाइट और लाइव वेदर अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आप जब लेफ्ट को स्वाइप करते हैं तो स्टेप काउंटर, स्लीप ट्रैकर, हार्ट रेट मॉनिटर, उसके साथ साथ आपको स्पोर्ट्स मोड, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, SPO2 मॉनिटर, वेदर अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं, साथ में कैमरा कंट्रोल एंड म्यूजिक कंट्रोल भी। उसके बाद आप बटन दबाते हैं, बाकी दूसरी साइड स्वाइप करते हैं तो आपको सेम वही ऑप्शन देखने को मिलता है, साथ में वेदर अपडेट्स, अलार्म, स्टेप काउंटर, स्टॉप वॉच, टाइमर वगैरह सब मिल जाता है। स्टॉप वॉच में देखिए आपका लैप ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद अलार्म में आप जाते हैं तो यहाँ पे आप टाइम चेंज नहीं कर सकते, टाइम आपको ऐप में ही चेंज करना होता है। फिर बाकी फ्लैश लाइट सेटिंग में जाके मेन्यू आप बदल सकते हैं, कौन सा व्यू चाहिए आपको, ब्राइटनेस है, वाइब्रेशन ऑन या ऑफ कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे हमको देखने को मिल जाते हैं। फिर ऊपर की तरफ स्वाइप करते हैं तो आप नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। पेयरिंग के लिए DFIT एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। जैसे ही ऐड डिवाइस करेंगे तो आपको फायरबोल्ट 31 दिखेगी, मतलब 31 वॉचेस लगता है लॉन्च हो चुकी हैं फायरबोल्ट की। और आप देखिए फिर नोटिफिकेशंस में जाएंगे तो अपने मनपसंद ऐप के नोटिफिकेशन आप ले सकते हैं। अदर्स पे क्लिक करेंगे तो सारी ऐप के नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अलार्म्स की तो आपको यहाँ से टाइम चेंज करना पड़ेगा और वॉच में जो है अलार्म का टाइम चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम अदर्स में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बाकी सारे की फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। अनयूजुअल हार्ट रेट अलर्ट भी इसमें देखने को हमें मिल जाता है। सरफेस के हार्ट रेट मॉनिटर की टेस्टिंग करते हैं, देखिए इसने मना कर दिया है, एक बार से दोबारा ट्राई कर लेते हैं इसको। और दोबारा ट्राई करके जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो इसने फिर से मना कर दिया है। और रिस्ट पे अगर हम बांध के देखते हैं देखिए दोस्तों, तो वहाँ पे भी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है, ऑक्सीमीटर से लगभग रीडिंग मैच ही है, एक आधे पॉइंट ही फर्क आ रहा है। तो एक बार दोबारा इसको टेस्ट कर लेते हैं तो दोबारा में भी हमें अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिल रहे हैं। फिर SPO2 की बात करते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट का ही रीडिंग का फर्क हमें देखने को मिल रहा है, देखिए वहाँ 97 है तो 96, और सेकेंड टाइम में भी काफ़ी अच्छे जो रीडिंग हमको देखने को मिलती है SPO2 की। आउटडोर विजिबिलिटी भी इसकी सही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले है इसका, लेकिन ठीक है, आपको कोई भी अपने फीचर ऑपरेट करने में दिक्कत नहीं होगी, आपको डायरेक्ट सनलाइट में भी जो है अच्छे से चीज़ें दिख जाएंगी, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, चीज़ें चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फिर अगर वाटर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये वॉच IP68 है, मतलब 1.5 मीटर्स तक आप इसको गहरे पानी में लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पर भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है।
स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो इसमें आपको 12 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस, उसके साथ डंबल, योगा, जिम, डांसिंग एंड सेटअप। तो इसका यूआई भी काफ़ी स्मूथ है, देखिए ऐसे भाग नहीं जाता है अचानक से जो फीचर्स होते हैं। और इसके अंदर एक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है कि आप अपने गोल्स वगैरह कस्टमाइज नहीं कर सकते, आप बस हार्ट रेट वगैरह देख सकते हैं और वर्कआउट को पॉज या स्टॉप कर सकते हैं। स्टेप काउंटर एक्यूरेसी की बात करें तो पहले 100 स्टेप चला तो इसने 94 कैप्चर किए, 200 पे जो है 205 कैप्चर हो गए, तो थोड़ा सा हायर साइड पर हमें देखने को मिला। उसके बाद 300 स्टेप्स कंप्लीट किए तो 304 एंड 500 स्टेप्स पे 498 कैप्चर हुए, तो यहाँ पे स्टेप काउंटर की एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। फिर देखते हैं इनकमिंग कॉल अलर्ट की, तो देखिए वॉच में पहले आ गया, फ़ोन में बात है तो फ़ोन में लैग देखने को मिला। इसमें आप कॉल को साइलेंट नहीं कर सकते हैं, बस रिजेक्ट ही कर सकते हैं, तो साइलेंट का बटन है, इसे वॉच में कॉल साइलेंट हो जाती है लेकिन फ़ोन में नहीं होती। नोटिफिकेशन लेंथ भी हमको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, 12-13 लाइन का मैसेज आप पढ़ सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और उसके बाद अगर हम हिंदी नोटिफिकेशन की बात करें तो उसका भी सपोर्ट हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वेदर अपडेट भी यहाँ काफ़ी अच्छे से शो होता है और इसके अंदर लाइव वेदर अपडेट आपको होम स्क्रीन पर भी देखने को मिल जाता है, तो 6-7 दिन का आप जो है वेदर अपडेट देख सकते हैं, फोरकास्ट यहाँ पर आ जाती है। म्यूजिक कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे भी हमें कोई लैग देखने को नहीं मिला है, बटन काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, आप जैसे ही इसमें वॉच में प्ले या पॉज करते हैं उसी टाइम फ़ोन में चेंज हो जाता है। वॉल्यूम अप एंड डाउन का ऑप्शन इसमें नहीं है, वॉल्यूम कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ सॉन्ग को ही चेंज कर सकते हैं। कैमरा कंट्रोल भी इसका काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि इसमें आप फ्लैश भी ऑन कर सकते हैं, प्लस इसमें टाइमर चलता है 3 सेकंड का, ताकि आप जब अपनी वॉच को एज ए शटर यूज़ करें तो आपके पास टाइम हो कि आप अच्छा सा पोज बना के खड़े हो जाए फोटो खिंचवाने के लिए, तो एक चीज़ मुझे इसमें काफ़ी अच्छी लगी है। वॉच फेसेस की बात करें तो इसमें आपको 100+ वॉच फेसेस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और आप इंडिया टच वॉच फेसेस भी आ गए आपको पूरा मातृभूमि की फीलिंग देने के लिए, और काफ़ी अच्छे लगते हैं वॉच फेसेस लगाने में। कस्टम वॉच फेस का सपोर्ट भी इसमें देखने को मिल जाता है, एडिटेबल या एनिमेटेड वॉच फेसेस इसमें हमको देखने को नहीं मिलते हैं। एक और कमाल की बात मुझे ये लगी जो मैं बड़े दिनों से ढूंढ रहा था, स्लीप ट्रैकर की एक्यूरेसी। यस, तो इस वॉच में आपको एक्यूरेट स्लीप का डेटा भी देखने को मिल जाता है, बिल्कुल जो सोने का और उठने का टाइम था ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कैप्चर किया है इस स्मार्ट वॉच ने। बैटरी बैकअप की बात करें तो वो भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, कैपेसिटी स्पेसिफाई नहीं लेकिन 3-4 दिन आराम से हैवी यूसेज में चल लेगी और 5-6 दिन नॉर्मल यूसेज में, तो इस रेंज में अगर मैं बात करूँ तो ये बैटरी काफ़ी ज़बरदस्त है इसकी। तो वीडियो तो आपने देख लिया होगा दोस्तों, पहले कुछ इसकी अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे इसका एक जो बटन है काफ़ी पसंद आया है, जनरली बटन वाली वॉचेज़ जो मैंने यूज़ की हैं फ्लैट बटन कंपनीज देती हैं जो दबाने में बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, तो ऐसा जो गोल बटन अगर मिल जाता है तो इतना कंफर्टेबल है, मतलब इसको आप आराम से प्रेस करेंगे और ये ऑपरेट हो रहा है, तो बटन से मैं इसके काफ़ी खुश हूँ। मैंने इतनी सारी स्मार्ट वॉच यूज़ की हैं, बटन दबाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है स्मार्ट वॉचेज़ की। उसके अलावा जो इसका डिस्प्ले क्वालिटी है, इसका जो यूज़र इंटरफेस है काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल लैग नहीं कर रहा है, कई वॉचेज जैसे हम हल्का स्वाइप करते हैं ऊपर भाग जाता है, वैसा इसमें मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला। उसके बाद बात करते हैं इसकी एक्यूरेसी की, तो इसके हमने हार्ट रेट का टेस्ट किया SPO2 की, तो अच्छी आ रही थी एक्यूरेसी, लेकिन आपको पता है मैं यही कहता हूँ कि आप मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट्स पर ही रिलाई करें, हार्ट रेट ने अच्छा काम किया। उसके बाद बात करते हैं स्टेप काउंटर, तो वो हल्का सा हायर साइड पे था लेकिन काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी उसकी भी निकल के आ रही थी। स्पोर्ट्स मोड जो है यहाँ पे थोड़े कम देखने को मिलते हैं और ऊपर से वॉकिंग का डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मोड नहीं है, रनिंग है, तो मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स मोड हो गया। रनिंग के अंदर आप अपनी वॉक भी ट्रैक कर सकते हैं, मतलब स्टेप काउंट ट्रैक कर सकते हैं, और जो आप रन कर रहे हैं उसका डेटा भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर जो म्यूज़िक कंट्रोल है उसके अंदर आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ मुझे थोड़ी सी स्ट्रेंज लगी, लेकिन बाकी जो है सारे फीचर जिसके अच्छे से काम कर रहे हैं, चाहे वो कैमरा कंट्रोलर हो, वेदर अपडेट्स हो, स्टॉप वॉच हो, अलार्म हो, टाइमर हो, बाकी सारे फीचर जिसके काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। रेजिस्ट टू वेकअप के फीचर की बात करें तो वो इसका मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव लगा, मतलब काफ़ी सारी वॉचेज़ मैं देख रहा था इस बजट में जिनको उठाने में ढंग से जो है रेजिस्ट टू वेकअप काम नहीं करता था, लेकिन इसका जो है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिव है। तो अब अगर इसके प्राइस रेंज की बात करें तो इसका प्राइस 2,299 हो गया, लॉन्च ये 1999 की हुई थी, तो 2,299 में अगर हम बात करें पूरी फीचर से पैक्ड एक स्मार्ट वॉच है, स्पोर्ट्स मोड थोड़े से कम है, लेकिन प्राइस रेंज को अगर देखा जाए और इसकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो आई एम फुली सेटिस्फाइड। तो आप चाहें तो आप जरूर इस वॉच को चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू, नया कंपैरिजन लेके, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।